हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी DIY नीम हेयर पैक। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए नीम लीव्स। मैं यहाँ पहले से ही इसको अच्छे से पानी से धो लिया था। अब हम इसको पीस के इसका पेस्ट बना लेंगे। नीम में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटोरी प्रॉपर्टीज है, जो हमारे डैंड्रफ के प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करता है, और एंटीबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, जो हमारे हेयर फॉल को रिड्यूस करता है और हमारे हेयर को थिक और स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। अब इसमें 4 टीस्पून कर्ड ऐड करेंगे। कर्ड में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं, जो हमारे डैंड्रफ के प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करता है, और कर्ड में विटामिन B5, विटामिन D होते हैं, जो हमारे हेयर को सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी करने में मदद करता है। फिर इसमें 2 टीस्पून कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे। कोकोनट ऑयल हमारे हेयर को मॉइस्चराइज करता है और हमारे डैंड्रफ के प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करता है। फिर इसमें 2 टीस्पून लेमन जूस ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेमन जूस में साइट्रिक एसिड होते हैं, जो हमारे डैंड्रफ के प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करता है और हमारे हेयर को सिल्की स्मूथ करता है। इसको अप्लाई करने से पहले अपने हेयर को कॉम कर लेंगे। फिर इस हेयर पैक को अपने हेयर रूट से लेकर हेयर लेंथ तक ऐसे अप्लाई कर लेंगे। ये हेयर पैक हमारे डैंड्रफ के प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करता है और हमारे हेयर को थिक और स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है और हमारे हेयर को सॉफ्ट, सिल्की स्मूथ करता है। एक घंटे के बाद शैम्पू से अपने हेयर को अच्छे से धो लेंगे। इस हेयर पैक को महीने में 2 बार जरूर ट्राई करना और रिजल्ट मुझे कमेंट में बताना। इस हेयर पैक को अप्लाई करने से हमारे डैंड्रफ के प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाएगी। आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसा और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ओके, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय।